नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। भांडेर द्वितीय महामंत्री भाजपा हरिओम त्रिपाठी के निज निवास पर कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई गई, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता अनु भारती एवं सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में विकास के पूर्व था महामानव ग्वालियर राज घराने के महाराज साहब श्रीमंत हृदय कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत बिरले लोग होते हैं कि जो विकास की झलक रखते हैं और उनके अधूरे सपनों को हमारे वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हम लोगों के प्रेरणा स्रोत श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके विकास के आयाम को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। तो उनके बारे में क्या कहें, एक संस्मरण हम आपको बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि यह दूरसंचार व्यवस्था भांडेर की पूरी तरह से ध्वस्त थी। ऑनलाइन के द्वारा दतिया से यहाँ ट्रंक कॉल के द्वारा STD कॉल हुआ करते हैं जी। उस समय महाराज से जब हम लोगों ने जाके कैलाशवासी महाराज से निवेदन किया छोटी विस्तारांति में कि हमारा ये समस्या है, तो ये जो भांडेर में दूरसंचार केंद्र है तो ये कहीं और के लिए था। महाराज ने हम भांडेर ग्वालियर से भांडेर नहीं आ पाए थे और उसकी उसका सामान यहाँ पे महाराज ने भेज दिया था। जब रात में हम लोग रास्ता उस समय बड़ा उबड़ खाबड़ था, तो वहाँ से जब ग्वालियर से हम लोग आए तो महाराज की कार करने की हम शैली बता रहे हैं आपको कि हम भांडेर नहीं आ पाए थे। जो प्रतिनिधिमंडल गया तो भांडेर नहीं आ पाया था और कैलाशवासी महाराज ने सामग्री और यहाँ पर ट्रक के ट्रक उतरने लगे, पूछा तो पता लगा कि वो STD टावर के लिए BSNL के टावर के लिए सामान महाराज ने भिजवाया। दूसरा, यहाँ पे दूरदर्शन रिले केंद्र, ये पता है आप लोगों को, मीडिया के सारे लोगों को पता है, तो उन्होंने 3 रिले केंद्र यहाँ पे स्थापित करा दिए दतिया जिले में, चौड़ा भांडेर और दतिया। तो दतिया का किले में लगाया, यहाँ TV टावर जो नाम से प्रसिद्ध है वो TV टावर वो महाराज की जय है जी, और चौड़ा में भी लगाया। महाराज ने गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र भी यहाँ स्वीकृत कराया था, किसी राजनीतिक कारणों के चलते विवाद डाल दिया गया, क्योंकि अब समय आ गया सरकार हमारी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, हमारे यशस्वी केंद्रीय नेता हम सबके मातादाता प्रेरणा स्रोत श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो हमारे जिले के सम्मानित सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी के सहयोग से वो अब स्थापित होने के कगार पे है। तो उनके द्वारा हमेशा विकास की सोच रखी जाती थी, गांव गरीब और किसान अन्नदाता, जिसको अन्नदाता महाराज अपने उद्बोधन में अन्नदाता कहते थे, तो हमेशा जब भी क्षेत्र में कोई दुख की घड़ी आई, ओलावृष्टि हुई या अतिवृष्टि हुई, किसान अन्नदाता किसी ने कष्ट पहुंचा कहीं से किसी गरीब के साथ में या हमारे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ में कोई जाति होती थी, महाराज उनके बीच में आते थे। तो ये लगाव श्रीमंत सिंधिया जी का और सिंधिया राज घराने का भांडेर क्षेत्र से रहा है, क्योंकि हम 98 में दतिया जिले में आए थे, उसके पहले ग्वालियर हुआ करता था। तो वहाँ के अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे महाराज ने कि भांडेर 120 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ का व्यक्ति अगर ग्वालियर किसी काम से शासकीय कार से आप लोगों के पास आता तो उसको इंतजार मत कराओ। तो ये महाराज की उदारता थी भांडेर क्षेत्र के निवासियों के साथ, और ऐसे प्रेरणादायक शख्सियत को हम आज नमन करते हैं, हमारे बीच में नहीं है, इन्हीं के द्वारा हमको आज राजनीति में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।